जल्लीकट्टू के बारे में आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं, चर्चा हमेशा बनी रहती है इस खेल की। ये आपका तमिलनाडु में खेला जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में खेला जाता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में, एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पेटा क्या है, पेटा क्या है, इस के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि तमिलनाडु आपका, ये हमारा प्यारा एशिया, देखिए इसमें आप देखेंगे भारत की स्थिति की बात करें तो ये आपको भारत देखने को मिलेगा। भारत की अगर पड़ोसियों की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर चाइना है। जैसे ही आप लोग दक्षिण भारत में जाएंगे तो तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। यह है तमिलनाडु राज्य। यहाँ अच्छे से आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ देखिए आप लोग, देखिए यह है आपका तमिलनाडु। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा केरल से इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है, और ऊपर कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमाओं को याद रखा करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो एक तरह से इन्हें क्रम में आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हो तो वहां आप लोग इन्हें सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाए। तो यही है आपका। इसकी राजधानी की बात करें तो चेन्नई देखने को मिलेगा। यहाँ की अगर हम लोग इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आपका लागू हुआ था। यहाँ अगर हम बात करें तो जो विधानसभा सीटें आपकी 234 सीटें हैं, लोकसभा सीटें 39 हैं और राज्यसभा सीटें 18 हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चंस एमपीपीएससी में, तो आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो यहाँ आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात, 5 राज्यों से। तो इस तरह के पूछ लेता है क्वेश्चंस, इसलिए हमेशा याद रखिए इसके बारे में। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार की वकालत करने वाले पशु अधिकार संगठन पेटा ने तमिलनाडु सरकार से जल्लीकट्टू खेल को आयोजित करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। एक तो क्या है कि जल्लीकट्टू जो खेल है, ये मानवों की एक तरह से जज्बातों से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं इसे जब रोकने की बात होती है तो विरोध प्रदर्शन होने लगता है इसका, और ये आप समझिए कि ये खतरनाक खेल है, इसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन क्या करें, एक तरह से परंपरागत खेल चला आ रहा है, तो लोग उसे एक तरह से चलाए बनाए रखने के लिए निरंतर कोशिश भी करते हैं। पेपल्स पेपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा ने यह आग्रह किया कि 50 से अधिक डॉक्टरों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के आधार पर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खेल एक गैर आवश्यक गतिविधि है और इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा भी है। जल्लीकट्टू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जल्लीकट्टू मट्ट पोंगल के दिन आयोजित किया जाने वाला एक परंपरागत खेल है, जिसमें बैलों की इंसानों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, ये बैल है, इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब सभी लोग मिलके। और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, देखिए वहां हम लोग जाके तो नहीं देखे हुए, कहा जाता है इस बैल को शराब पिलाई जाती है या नशा कराया जाता है, या ऐसे बैल इसमें खेल में उतारे जाते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं एक तरह से। आप समझिए तभी तो इन लोगों को मजा आता होगा, वरना आप समझिए एक सीधे साधे बैल को आप लोग या कमजोर बैल को उतार दें इस खेल में, तो उसे तो आप लोग आसानी से नियंत्रित कर लेंगे, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का त्योहार है मट्ट पोंगल। तमिलनाडु में 4 दिन तक चलने वाला वाले त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है, और जल्लीकट्टू तमिल शास्त्रीय युग 400 से 1000 माफ करिए 400 से 100 ईसा पूर्व से संबंधित एक प्राचीन खेल है, यानी कि बहुत सालों से चला आ रहा है। इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम में और 2 अन्य ग्रंथों मालीपदुकादम और काली थोगई में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक 2500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में एक बैल को नियंत्रित करने वाले एक आदमी को दर्शाया गया है, जिसे इसी खेल से जोड़ा जाता है। एक तरह से आप लोग समझिए, आज आपसे कहें कि दीपावली मत मनाइए, आप लोग होली मत मनाइए, तो मुझे लगता है कि आप देखते होंगे हिंदुओं में काफी अच्छा त्योहार रहता है, तो तुरंत आवाज उठने लगेगी और कई लोग कोर्ट में भी जाने लगेंगे। तो आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु के लोग भी इसे जो भी जल्लीकट्टू है जो खेल है, इससे उसी तरह से आप लोग कहिए कि इनका जुड़े हुए हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि वैसे तो आपकी भी होली दीपावली ये पूरे देश में मनाई जाती है,
लेकिन फिर भी उत्तर भारत में आप लोग ज्यादा देखते होंगे इसे। जल्लीकट्टू को इरुथा थुवुथल, मधु पिदीथल और पोल रुधु पिदीथल जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इन नामों को भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। कई बार आ जाते हैं इस तरह के भी आपके स्टेट, अगर तमिलनाडु से आप लोग हैं तब वो और क्वेश्चन इस तरह के पूछे जा सकते हैं। जल्लीकट्टू से जुड़ा विवाद भी है। 2010 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई एक जांच में कहा गया कि जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है, और इसके साथ बाद से भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों ने इसे प्रथा का विरोध करना शुरू किया था। और एक याद रखिए, किसी सरकार ने इसका एक तरह से विरोध नहीं किया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि ये भले ये संगठन एक तरह से इसका विरोध करते रहे, क्योंकि आप समझिए कि इसका कोई सरकार अगर इसका विरोध करती है तो एक तरह से सोचिए कि उसे चुनाव में हारने का मुंह भी देखना पड़ सकता है। वर्ष 2014 में पेटा को एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से प्रतिबंधित किया 2014 में, फिर भी खेला जा रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तो राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद 2017 में तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बैल की देसी नस्लों के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया। इसके बाद जल्लीकट्टू आयोजन प्रतिबंध भी समाप्त हो गया था। हालांकि अभी भी भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों समेत पशु प्रेमियों द्वारा इस पिता का विरोध भी किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। फिर आप देखेंगे अगर पेटा के बारे में बात करें तो पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के बारे में, तो पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एक पशु अधिकार संगठन है। इस संगठन में पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग काम करते हैं। यह संस्था जानवरों के अधिकारों की स्थापना और बचाव के लिए समर्पित भी है, और यहाँ पशुओं की देखरेख से लेकर उनके रख रखाव तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। पेटा का गठन 1980 में एन इन ग्रिड न्यू क्रिक और एलेक्स पचेको द्वारा किया गया था। यह पूरे संसार का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन भी है। इसका मुख्यालय आपको यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में देखने को मिलेगा। इसके बारे में याद रखिए, इस संगठन के बारे में भी। लेकिन मुझे बड़ा एक तरह से अजीब लगता है, आप समझिए, चलिए मान लेते हैं कि इस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं इस परंपरा से, तो हो सकता है कि सही भी बात हो उनकी। अब हम लोग उनकी जगह रख के देखें तो शायद मालूम चल सकता है कि किस तरह से वो लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि गाय के नाम पर या बैल के नाम पर इस तरह से पशुओं के नाम पर कई हत्याएं भी की जाती हैं। अभी आप लोग रोड पर निकल जाइए कभी भी तो आप देखेंगे कि गाय भूख से मर रही है। आप देखेंगे गाय को अगर घाव भी उसमें कुछ लग गया, उसे घाव भी हो गया, चोट भी लगी हुई है, तो खून बह रहा है, कोई वहां नहीं आएगा मदद करने के लिए, कोई संगठन वहां नहीं आएगा। आप देखते होंगे कहां चर्चा में अगर कहीं रहा तो वहां तुरंत आ जाते हैं कि इस तरह से विरोध करने के लिए। आप समझ सकते हैं, गाय आप देखते होंगे कि एक तरह से पॉलीथन खा रही है, कुछ दिन के बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। और अभी आप देखिए गाय माता के नाम पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रोटियां सिकती रहती है, गाय मरती रहती है। वही हाल है कि इंसानों यानी कि हमारे यहाँ की जो भी भारतीय है आम जनता है उसकी मौत होती रहती है, और नेता उनकी मौत पर भी रोटियां सेंक के अपना काम चलाते रहते हैं। खैर छोड़िए, इसके बारे में आप लोग याद रखिए, क्या बोलते हैं इसे, जल्लीकट्टू, ठीक है। ये तमिलनाडु का त्योहार है, ठीक है, खेल है यार।